पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये कहावत एक बार फिर साबित हो गई। 28 साल से फरार चल रहे डकैत नेपाल सिंह ने काम बदला, पता चला, लेकिन कानून से नहीं बच पाया। बिलारी पुलिस ने 25,000 के इनामी डकैत नेपाल गिरी को गिरफ्तार कर लिया। उस पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। SP देहात संदीप कुमार मीणा ने बताया कि 3 अप्रैल 1989 की रात बिलारी क्षेत्र के स्योहारा गाँव में हरद्वारी डोरी दिनेश और नेक्से के घर में बदमाशों ने धावा बोलकर डकैती की घटना को अंजाम दिया था। विरोध करने पर नेक्से को गोली मार दी गई थी। 23 जुलाई 1989 को पुलिस ने सभी 8 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर जमा कर दिया था। आरोपी जमानत पर जेल से छूट गए थे, लेकिन आरोपी नेपाल जमानत पर छूटने के बाद कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। 1996 से आरोपी फरार चल रहा था। नेपाल गिरी के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद धारा 82 और 83 CRPC के तहत उनकी कार्रवाई भी की गयी थी। 28 मार्च 2003 से नेपाल गिरी को अदालत ने फरार घोषित कर दिया। 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया। पुलिस ने उसे अब गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली, जिसमें 25,000 के इनामी एक अभियुक्त जो कि करीब 22-23 साल से फरार चल रहा था और उसको गिरफ्तार किया है। और ये जो मुजरिम था, ये डकैती 4-5 घरों में इन्होंने सोडारा जो कि एक कस्बा है बिलारी थाने के अंदर, वहाँ पे इन्होंने 4-5 घरों में एक साथ डकैती की थी, जिसमें 8 लोग अभियुक्त थे और इनमें एक व्यक्ति को गोली भी लगी थी, जिसका नाम लक्ष्य था। और इस व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया गया है उसका नाम है नेपालगिरी पुत्र मुंशीगिरी निवासी ग्राम मुड़िया खेड़ा थाना कुल फतेहगढ़ जनपद संभल। इसमें इन चारों इन 8 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था, लेकिन जब ये जमानत पर हुआ तो ये फरार हो गया वहाँ से। और फरार हो गया और ये अपनी पहचान छुपाकर बदायूं जिले में हलवाई का काम करता रहा, अपना वेशभूषा बदल कर वहाँ पे छुपता रहा। उसके बाद में ये अपने ससुराल रामपुर की तरफ निकल गया और यहाँ पे इसकी जो जमीन जायदाद थी इसे सारी बेच बाज दी। यहाँ पे कोई भी इसके परिवार का सदस्य रहता नहीं था और इसने अपने को 22-23 साल तक अपना वेश बदल कर अपना कामकाज भी चेंज करता रहा, समय समय पर अपनी वेशभूषा भी बदलता रहा। और आज इसको गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ में एक तमंचा मिला। इसके खिलाफ एक आर्म्स एक्ट में भी मुकदमा हुआ है और जो मुकदमे में जिसमें ये वांछित था इसके अंदर भी आगे के लिए रिमांड कोर्ट से निवेदन करके रिमांड लिया गया। करीब कितने वर्ष वहाँ था अरेस्ट हुआ? ये 1989 से फरार था और आज ये अरेस्ट हुआ। ठीक है। उसमें बीच में ये शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जब ये जमानत कोर्ट से छूटा तो ये उसमें ये फरार चल रहा। इन सभी 8 लोग थे, इन लोगों ने मिलकर एक साथ 4 घरों में डकैती कर दी, उसमें एक व्यक्ति को गोली भी मार दी। धन्यवाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।